नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हम सहोद्रही आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उमर भाई आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्यक काया क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं दूध मुहे बच्चों को अगर नज़ला हो जाता, जुखाम हो जाता, ठंड लग जाती है तो माता को क्या करना चाहिए। आज हम घबरा जाते हैं और डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, डॉक्टर बच्चे को एडमिट करते हैं, हाईली एंटीबायोटिक देते हैं, यही नज़ला खांसी बन जाती है, खांसी से दमा बन जाता है, दमा से ब्रोंकाइटिस अस्थमा बन जाता है और उन एंटीबायोटिक के प्रयोग से आगे चल कर के बच्चे में शुगर का रोग बन जाता है जिसे इंसुलिन पर ले जाना पड़ता है। इन्हीं एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट के कारण बच्चे की कई बार किडनी डैमेज हो जाती है। तो छोटे बच्चों को अगर नज़ला और जुखाम हो जाता है तो माता को चाहिए कि बच्चे की छाती पर डालडा घी में नमक मिला करके छाती पर लेप कर देना चाहिए। माता को अपने पास अपनी गोद में बच्चे को लिटाना चाहिए और माँ को अपने दूध के अंदर छुहारे बतासा, जिसको पतासे बोलते हैं, बतासा बोलते हैं, छुहारे और बतासा डाल करके और उसमें एक चम्मच गेहूं का बूर डाल करके दूध में उबाल लीजिए। उस दूध का प्रयोग दिन में 2-3 बार करना चाहिए। माता को बराबर की हल्दी और चीनी का प्रयोग करना चाहिए, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच चीनी, यों का यों आधा घंटे तक पानी का प्रयोग ना करें। बच्चे को नमूनिया अगर हो जाता है, नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है तो माता को च्यवनप्राश का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन च्यवनप्राश को कभी भी दूध के साथ या पानी के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन के पश्चात च्यवनप्राश एक चम्मच या आधा चम्मच खा जाइए और आधा घंटे तक पानी या दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। माता को चाहिए कि डाइजेशन पावर को बढ़ाए, अन्न कम कर दे और दूध का प्रयोग करें जिससे कफ ना बने। कफ नहीं बनेगा तो नज़ला नहीं रहेगा, नज़ला नहीं होगा तो नमूनिया भी ख़त्म हो जाएगा। आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो बच्चे के लिए बाजरा, लहसुन और काला बांसा ये बराबर मात्रा में जला करके राख बना लीजिए। एक चुटकी भर राख को शहद में बच्चे को खिला दीजिए, बच्चे का नमूनिया, नज़ला, खांसी दूर हो जाएगा। या फिर श्रृंग भस्म आती है आयुर्वेद में, सफाटिक भस्म आती है, फिटकरी की भस्म आती है, सुहागे की भस्म आती है टंकण भस्म के नाम से, इनकी आधा आधा रत्ती की मात्रा शहद में मिला करके खिला दीजिए बच्चे को। या माता को सौंठ, काली मिर्च और पीपल इनको बराबर मात्रा में मिला करके त्रिकुटी दिन में 3-4 बार शहद के साथ चटा देनी चाहिए। माता को खानी चाहिए दवाई, बच्चे को नहीं। फिर भी लगता है कि खांसी या जुकाम बराबर चल रहा है, बच्चा रो नहीं रहा, रो रहा है, भयानक पीड़ा में है, तो आप एक बार टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर हैं किसी भी नंबर पर फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके बच्चे की स्थिति को समझ करके, माँ के रोग को जान करके माँ के लिए दवा दूंगा, आपका बच्चे का नज़ला, जुखाम, नमूनिया दूर हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को नज़ला, नमूनिया, दमा, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा इन डॉक्टरों ने बना दिया है, मात्र 1.5 या 2 महीने के प्रयोग से आपका बच्चा सदा नमूनिया से मुक्त हो जाएगा, दमे से मुक्त हो जाएगा, हमेशा दवाई खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमने बहुत सी उत्तम औषधियों का निर्माण किया। बचपन में जिनको नमूनिया और नज़ला हो गया आज वे दमे के रोगी बन गए, 1.5 या 2 महीने के लगातार प्रयोग करने से उनका नज़ला और नमूनिया सदा के लिए ठीक हो जाएगा। और जिन बड़े लोगों को अस्थमा बन चुका है उन अस्थमा भी हम ठीक करते हैं। आप लोग हमारे पास आइए, नाड़ी देख कर आपके रोग का सही कारण जान करके मैं आपके रोग का सही इलाज बताऊँगा। मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी दवाओं से बचें और सबसे ज़्यादा उन दवाओं के होने वाले साइड इफ़ेक्ट से बचें
और उससे भी ज़्यादा अपने राष्ट्र को, इस कंगाल होते राष्ट्र को, जो कि अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से हमारा पैसा विदेशों में जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा आर्य राष्ट्र समृद्ध बने, खुशहाल बने और आप स्वस्थ रहें। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन भावों के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारती।